तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, ना तेरा कोई दोष दोष मद होश है तू हर वक्त वक्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। हमें और बतावे हमरे पड़ोसी मित्रों, तैयार हो में एशिया कप के लिए? भैया मुगले आजम के दोस्त बाबर आजम, अबे तुमसे तो हमरा माँ मुकाबला होना है। एक तुम्हारी ही तो टीम है जिससे हमारा मुकाबला लगेगा, यहाँ किसी टीम से हो रहा है, बाकी टीम सबसे निपट लेंगे। अरे अपने तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे अब ऐसे कट जाएगी, आपका क्या होगा ओ मेरे भैया। मैं भैया रोहित, मैं हम तो अपनी जैसे तैसे करके निकाल लेंगे। देखा था पिछली बार हमारी टीम एशिया कप के फाइनल पहुँची थी, वो तो हमारा रिजवान का बल्ला नहीं चला था, नहीं तो हम ही चैंपियन बनते। श्रीलंका वालों ने हमको हरा दिया था। लेकिन भाई तुम्हारी तो हर साल बेइज्जती होती, बता तुम्हारी टीम तो पिछले साल फाइनल में भी नहीं पहुंची थी। भाई अपनी देखो, हमारी मत चिंता करो। हमारी तरफ देखो बे, तुम सब लोग हमारी तरफ देखो भाई। श्रीलंका मौजूदा चैंपियन है एशिया कप की, समझे? तुम लोग हमको भूल रहे हो बे, हल्के में ले रहे हो हमको। मैं तुम लोग देखना बे, साल भी हम लोग बबाल काटेंगे एशिया कप में। सब लोग तैयार हो जाओ, श्रीलंका बहुत तगड़ी टक्कर देने वाली है। हमें एशिया कप ही सब बहाना बे, हम लोग सब लगे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी में। हटा में सावन की घटा में सबको नागिन डांस करवा देंगे बे, सबको नागिन डांस करवाएंगे बे। बांग्लादेश को कोई देख ही नहीं रहा बे अपनी निगाह से। एशिया कप जीतेगी बंगला, मेरे आगे कोई नहीं अगला। मैं रोहित भाई बे, ये पाकिस्तान पाकिस्तान सब उड़ाई डालेंगे बे, जो हमारी नागिन पिच पर डांस करेगी तबाही मचा डालेंगे। इस चमचमाती हुई एशिया कप की ट्रॉफी सिर्फ बांग्लादेश जाएगी। भैया तुम भी बोलो, क्या नाम तुम्हारा? राशिद खान। तुम कैसा मुंह लटका के बैठो ही बाबर आजम के साथ? मैं भैया हम क्या बोले, बैठे उठे बाबर भैया हमारी टीम को दिन दहाड़े कूट रहे। देख रहे हो हम लोग ओडिया सीरीज हार गए पाकिस्तानियों से। मैं रोहित भाई, हमको लग रहा कि हम लोग की यही पोजीशन चल रही है एशिया कप में भी रहेगी भी, हम लोग ऐसे ही कूटे जाएंगे। ससुरेगा कोई टीम में हमारी कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो खड़े होके इनके बॉलों का सामना कर सके। बस ससुरी इन लोगों ने एक बार तो हमारी टीम को सिर्फ 59 रन पर ऑल आउट कर दिया था। भैया ढक ढक हो रहा है, जाने क्या होगा हमारी टीम का एशिया कप में। वे टेंशन मत ले बे राशिद, टेंशन न ले बे, तुझसे भी कमजोर एक टीम है वो है नेपाल। मैं जरूरी उसके साथ तुम लोग कम से कम एक दो मैच जीतोगी। हेडिंग नहीं लेना, बस दिल खोल के खेलना है। बस मेरा एक टारगेट इस बाबर को बेलना है। हमें आज सिर्फ दो चार दिन तो बाकी बे, ससुरी तबाही मचा देंगे बे। इस साल तो सिर्फ एशिया कप इंडिया जीतेगा, किसी को उकार नहीं है टीम इंडिया को बाहर कर दे। और सबसे पहले तो हम इस पाकिस्तान को बाहर करेंगे। और बाबर आजम बे, तुम अपना बोरिया बच्चा बांध के रखो, एशिया कप में सबसे पहले तुम्हारी टीम बाहर जाएगी।